एक गांव के पास रास्ते में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर जुड़वा भूतों ने अपना डेरा डाल रखा था। उन दोनों में एक बहुत ही नेक भूत था और दूसरा बड़ा ही शरारती था। नेक भूत दयालु था और लोगों की भलाई का काम करता था। दूसरा भूत ठीक उसके विपरीत था। वे लोगों को परेशान करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाता था। पास में एक गांव मोहम्मदपुर था। वहां दो तरह के लोग थे, एक बहुत अमीर और दूसरे बहुत गरीब। एक लाला वहां का सबसे अमीर व्यक्ति था। वे बहुत ही धूर्त, अत्याचारी, लालची और बेईमान था। वे गरीबों को कर्ज देता था, उनसे बहुत ऊंची दर पर ब्याज वसूल करता था। सब गरीब उसके कर्ज के तले दबे हुए थे। लाला और उसका एक नौकर एक गरीब मंगरू लाल के यहाँ पहुंचे। अरे मंगरू, चल बाहर निकल। लाला जी नमस्ते, 2 दिन और रुक जाइए, मैं आपका पूरा ब्याज दे दूंगा। आज तेरी गाय लेकर जा रहा हूँ, पैसे दे देना और गाय वापस ले लेना। मंगरू विनती करता रहा, लेकिन लाला ने उसकी गाय हांक ली। मंगरू लाल बहुत गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती भी था। वे एक दिन भूतों वाले पेड़ के पास से गुजर रहा था। वह जब उस पेड़ के पास पहुंचा, तब अचानक पेड़ से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। वह पेड़ की तरफ देखने लगा, आवाज बंद हो चुकी थी। फिर किसी ने पीछे से उसकी धोती खींच ली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह डर गया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके सामने एक बड़ा सा भेड़िया आ गया। उसने अपनी लाठी से उसे मारना चाहा तो वह अचानक गायब हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ पर एक भूत बड़ी बड़ी आंखें करके उसे ही देख रहा था। मंगरू डर गया। वे किसी तरह से घर पहुंचा और खटिए पर गिर गया। उसे तेज बुखार आ गया था। मंगरू का बुखार बढ़ता ही जा रहा था और वैद्य जी की दवाई का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मंगरू का दोस्त मुलई मंगरू के खाट के पास आकर बैठ गया। आमा यार, चिंता मत करो, मैं अभी चमनगंज जाता हूँ और बड़े वैद्य जी को लेकर आता हूँ। उनका काढ़ा जैसे ही पेट में जाएगा, तुरंत बुखार निकल कर भाग जाएगा। इतना कहकर मुलई चमनगंज के लिए रवाना हो गया। वे उदास मन से सोचते हुए उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था। अचानक पेड़ से आवाज आई। क्या बात है भाई, बहुत परेशान दिख रहे हो। मुलई इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि आवाज किधर से आ रही है। उसी पेड़ पर भूत प्रकट हो गया और उसने कहा, डरो मत भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मेरा दोस्त मंगरू कुछ समय पहले ही यहाँ से गुजरते हुए घर जा रहा था। उसे कुछ अजीब अजीब आवाज और चीखे सुनाई पड़ी। फिर एक भेड़िया दिखाई पड़ा जो गायब हो गया। उसने आपको देखा और इसके बाद घर पहुंचकर वह बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत तेज बुखार है, उसके लिए मैं वैद्य जी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, ये सब मेरे जुड़वा भाई की करतूत थी। वे ऐसे ही लोगों को परेशान करता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ, इसे अपने दोस्त को खिला देना और वह ठीक हो जाएगा। इतना कहकर उसने एक जड़ी बूटी मुलई को दे दी और मुलई अपने दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। मुलई ने जैसे ही वह जड़ी बूटी अपने दोस्त मंगरू को खिलाई, वे तुरंत ठीक हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। मंगरू जंगल की लकड़ियां काटकर फिर उसे बाजार में बेचता था। इसी प्रकार से वे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वे लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर की तरफ लौट रहा था, तब रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। नेक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मंगरू डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो भूत भाई, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। एक दिन अगर ना कमाऊँ तो रोटी भी ना खा पाऊँ। कल से मैं इस तरफ कभी नहीं आऊँगा। अरे भाई मुझसे डरो मत, मैं वह नहीं जो तुम समझते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। आप वे भूत नहीं हो जिसने मेरी धोती खींची थी? नहीं, वह तो मेरा जुड़वा भाई था, बहुत शैतानी करता है। इतना कहकर नेक भूत ने मंगरू को एक जादुई पात्र दिया और कहा, इसे ले जाओ और सदैव अपने पास रखना। ये तुम्हें प्रतिदिन 10 सोने के सिक्के देगा। उस सोने से तुम अपनी और दूसरों की भी मदद करना।
मंगरू ने वे पात्र ले लिया और घर चला आया। उस दिन से उसने अपनी और दूसरों की भी मदद करने का कार्य शुरू कर दिया। मंगरू के साथ साथ उसके गांव वाले भी अच्छा जीवन बिताने लगे। उस गांव के धूर्त लाला को ये बात पसंद नहीं आई। उसने पता लगाया तो उसे ज्ञात हुआ कि ये सब उस बड़े पेड़ के भूत की देन है। लाला ने फटे पुराने कपड़े पहने और उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसके साथ उसका कुत्ता मोती भी था। वे पेड़ के नीचे बैठकर भूत का इंतजार करने लगा। बुरे भूत ने अपना चमत्कार दिखलाना चालू कर दिया। अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बीच बीच में चीख भी सुनाई पड़ती थी। लाला डरे नहीं, वे तो अपने लालच के कारण आए थे। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक कुत्ते के पीछे पटाखे बजने लगे। कुत्ता जोर जोर से कूदने लगा और इधर उधर भागने लगा। लाला जैसे उठे, पीछे से उनकी धोती किसी ने खींच ली। वे किसी तरह अपनी धोती संभालते हुए इधर उधर देखने लगे। सामने भूत उन्हें ही घूर रहा था। भूत भाई, मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत सताओ। मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय बताओ। लाला, तुमने सब गरीबों का खून चूस कर पैसा इकट्ठा किया है और अपने आप को गरीब कहते हो। कपड़े बदल लेने से कोई गरीब नहीं बन जाता। तुम पैसे से अमीर हो, लेकिन दिल से बहुत ही गरीब हो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी धोती में भी पटाखे लग जाएंगे। लाला वहाँ से जल्दी जल्दी भागे और रास्ते में ठोकर खाकर एक दलदल में गिर गए। उनके पूरे शरीर में दलदल का कीचड़ लग गया। उनके पूरे मुंह पर भी कीचड़ लग गया। वे तो बहुत अजीब नजर आ रहे थे। दोनों जुड़वा भूत मुस्कुरा रहे थे। मेहनत का फल मीठा होता है, बेईमान का बुरा हाल होता है।